सर एनसीएस ने ये जो 24th को डिनाइड कॉलेज का बीएमएस कॉलेजेस का जो लिस्ट दिया है उसके बारे में कुछ बताएंगे जरा। ये 24th को जो डिनाइल कॉलेज का जो लिस्ट है उसके बारे में। हाँ यस सर। देखो एनसीएसएम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे उन लोगों ने ये 24th ऑफ अगस्त को हमारे व्यूवर्स को भी मैं बता रहे एक लिस्ट अपलोड किया था, लिस्ट ऑफ द डिनाइल कॉलेज, मतलब आयुर्वेदा के ऐसे कॉलेजेस जिसको 2024-25 का परमिशन ना मिला हो। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस है, 17 कॉलेज। ठीक है, टोटल आई थिंक 26 समथिंग कॉलेजेस है, उसमें से 17 कॉलेज, 17 कॉलेज यूपी के, दूसरा एक दो कॉलेज आई थिंक बिहार के, उत्तराखंड के आई थिंक दो या तीन कॉलेजेस है, और महाराष्ट्र का आई थिंक एक आध कॉलेज है, और कर्नाटका का एक कॉलेज है। ठीक है, यूपी वाले क्या करते हैं यूजुअली सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे यूपी के काउंसलिंग को, यूपी के कॉलेजेस को बहुत प्रमोट करते हैं। बट जो ये डिनाइल का जो लिस्ट आया उसमें ये यूपी के 17 कॉलेजेस को इतना एक साथ क्यों परमिशन नहीं आया उसके बारे में कभी नहीं बताया। ठीक है, हम सालों से जानते हैं यूपी में एजुकेशन में कभी क्वालिटी नहीं है, ये बात सच है, स्पेशली आयुर्वेदा के कोर्सेज में। आयुर्वेदा में क्या होता है कि साउथ है वो लीड कर रहे हैं हमेशा, कर्नाटका के इंडिया के टॉप 10-20 कॉलेज निकालो तो मैक्सिमम कॉलेजेस कर्नाटका के आते हैं। मेजर रीज़न है यहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश टू इंग्लिश है, और इसीलिए कर्नाटका में सबसे ज़्यादा बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं।